जाएगा, कह रही है आधा निकाले। हाँ अच्छा लग रहा है, गिन्नी अंदर चेक कर रही है। अरे यार इतना सारा रसगुल्ला। तो फाइनली वो घड़ी आ गई कि हम लोग जा रहे हैं रामराज जी के घर शादी में, उनके बेटे की शादी में। और ये पूजा है जो रेडी हो चुकी है जाने के लिए, और यहाँ पे गिन्नी है जो रेडी हो रही है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से चलो यार गिन्नी, और कंफर्म कर ले दुपट्टा। और हमको पता भी नहीं है कि कब कितने बजे क्या होने वाला है, बस हम लोग जा रहे हैं। हो सकता है कि सब कुछ होके खत्म भी हो गया हो और हम लोग तब पहुंचे। तो मतलब देखो हमारे घर का मिरर कितना गंदा है, हमेशा गंदा रहता है। चलो चलो मगर को चल के, गाड़ी चाबी है ना, एक बार दिखाओ क्या है, परवल लग रहा है। लो चलो, रामराज घर शादी है इसलिए दिया है, करिए ड्राइवर बनो आज। तो और क्या, ये हमारे लिए किसी चल भी नहीं सकता है। मैं चलाता हूँ, शिवम भी चला लेगा, ये मेरे जैसा नहीं चला सकता, मैं अंगल जैसा नहीं चला सकता। चलो बस रामराज घर शादी है इसलिए जाने के लिए मिला है ये, उसके बाद तुमसे ले लिया जाएगा। सारा बनने की जरूरत नहीं है, ले भी लेंगे। चलो अभी ये एक बार आ गया, एक गिन्नी को आने दो पहले। चलो 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 चलो। तो हमारे साथ कोई और भी जा रहा है, मंगल तो जा ही रहे, सोनू भी जा रहे हैं। सोनू इंगवा सोनो, हाय गाइस, नालर का साफ्टिंगला देना, माय ऑनर देना, बेस्टी तरह दा दे, कोट तरह दा, इनक रुंबा हाइपर के देना, माय ऑनर देना, बेरे पार्टी ले पॉइंट दा, सरी वन्नक मना, नेक्स्ट टाइम देना पे नाले को बंदे चना, बाय बाय। सोनू ने जो भी बोला तमिल में बोला, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो तमिल जानते हैं या उधर साइड से बिलोंग करते हैं तो वही समझ पाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत मुझे ही समझ में आया, मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा लग रहा है, चलो हाँ। इस पे दुपट्टा नहीं डालते हैं, बट यहाँ पे तो थोड़ा। चलो मर्जी तुम्हारी, जल्दी निकलो ना, नहीं तो पता नहीं है ना कब क्या होने वाला है। हाँ अच्छी लग रही है, जाओ। मेरा पता है बचपन से एक शौक था कि जब भी मैं शादी में जाऊँ तो इस वाले जेब में मेरा लिफाफा रहे, आज ये शौक पूरा हो गया मेरा। चलो 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 चलो, गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो। सोनू बस ऐसे ही कह रहे थे, सोनू नहीं जा रहे, नहीं जा रहे ना, मैं बोल रहा हूँ सोनू चलो, तो कह रहे मेरा कपड़ा ठीक नहीं है। देखो भाई ये लोग सीरियसली, मैं तुम लोगों को बता दूं एक बात कि मुझे पता नहीं है कि उनके वहाँ कितने बजे क्या फंक्शन था, कुछ भी घर पता है ना, घर पता है। हाँ बस चलो, सही सही टाइम पे जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट। ये लोग फोटो ले रहे हैं, ये 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 यार ये। बस हम लोग 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। देखो ये वही वाला ब्रिज है, दिन में जो दिखता है अलग और रात में कुछ ऐसा दिखता है। हाँ ये हुई ना बात, मैं लाइफ में पहली बार आ रही हूँ। हाँ ये सच में पूजा यहाँ पे पहली बार आ रही है, यहाँ पे आके ना बहुत सारा डर सा लग रहा है बहुत। मुझे पता भी नहीं था कि इस ब्रिज के नीचे से ऐसा कुछ है रास्ता। हाँ तुम्हें भी नहीं, मैं खुद पहली बार आया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था। उस जमाने में क्या बनाया होगा। ये देखो यहाँ पे सजावट हुआ है ना, यही वाला है रामराज का घर। तिलक वाला आ जाएगा गाड़ी लेके ना, तो हम लोग गाड़ी उधर ही फंस जाएगा, पागल हो गया। हाँ तो यही लगा के चलते है ना, वो रहा देखो गाना बज रहा है ना वहाँ पे। गाना कौन सा बज रहा है यार, चलो ऊपर चलो, चले जाते ना काम में निकल जाए। चलो मैं थोड़ी सा देर में चले जाना। अरे उन्होंने बोला ऊपर जाने के लिए। अरे ये क्या है, ये क्या चीज है, वाह यार अच्छा है। मजा आ रहा है यार, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। अभी रामराज है नहीं शायद, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हम लोग सही टाइम पे आए हैं ना। अरे यार मिस कर दिया रामराज, थोड़ा लेट आए, राटा कटा लो बदल से भाई। देखो का कहत रहा रामराज की नाई बोलो भाई, कहत रहा हम तो अभी आसन लेके और बुझाई तक अब नहीं अब रामराज को ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं आएंगे। नहीं नहीं रामराज जी हिंदी में बोलेंगे, बोले बोले। अरे बस बोल दिया, सबको समझ में आ गया होगा। केकर शादी होता कौन बेटा है? कौन बेटा है? ये बेटा है। अच्छा ये दूल्हा ना, ये दूल्हा हो, यही बेटा ना ना अभी नीचे है।
ये तो कंचन है, इसको तो दो गो लड़का हुआ। अच्छा, इसको दो लड़का और आपको कितने लड़का है आपका? मेरा तो लड़का अभी लड़के लड़का है इनका नहीं हुई है रामराज की। भाई किसके शादी में है फिर? हाँ बोलिए, आप क्या बोले थे मेरे को? हाँ कितना? साढ़े तीन। ये तीन उंगली है। तीन उंगली है, साढ़े तीन बोलेंगे, ये भी थोड़ा आधा निकाले हैं ये। अच्छा चलिए। हाँ अब हुआ तीन। हाँ कितना हुआ? तीन। हाँ तो मेरा इतना ही लड़का है। अरे वाह, क्या एक्सप्लेन करने का तरीका है। एक दो तीन चार पाँच, ये गिनती तो हमने नहीं सीखी थी। मतलब इनको गिनती गिनती सब आता है, ये हम लोग को उल्लू बना रहे थे। गलत बात है ये। तो कौन से नंबर का शादी है आज? कौन से नंबर वाले की आज शादी है? तीसरा नंबर वाले की। सबसे छोटा? हाँ। देखो हमारे लिए खाना आया है, नाश्ता। चलिए बैठिए बैठिए भाई, आप बैठिए रामराज जी। हमरा तो चाय दो, हमरा तो निमान दो, खा लो। ठीक है। मम्मी बाकी में ही है। गिन्नी अंदर चेक कर रही है क्या है? अरे रामराज, रामराज जी के हाथ में बहुत स्वाद है, उनके घर खाने में भी बहुत स्वाद होगा। अरे लग गई। मंगल चप्पल में हुआ, कह रहा है कि मेरा चप्पल बहुत खराब लग रहा है, इसलिए जा रही है यार। और जाओ जाओ जाओ। बारी खाबी है, गलत बात है यार। ये तो डकैत निकली, सच में ये असली वाली डकैत। कमाल है। कही थी वन है कि हर आज तो ना, लेकिन हरदी कलशा के दिन मम्मी के लिए लावे ला हवा जरूर। एक घंटा रहता थी, पैर पूजी करा के फिर चले जाएंगे, लेकिन आना जो खुशी वाह, क्या फोटो आ रहा है, जबरदस्त। आज के जमाने में 2 महीने में कनिया भाग जाती है, ये देखो बुढ़ापे तक जोड़ी बनी हुई है। अरे ये हाथ पकड़ने के लिए रामराज का पोता है कि नाती है? नाती। हाँ बेटी का बच्चा ना, पोता हुआ बहू। बेटा का? अच्छा बहू का। अरे अरे मत कर। बहुत छोटा यार, 2-3 महीने का बच्चा है। करना जरूरी है।
यहाँ पे खाना खाने वाले पूजा को बहुत मन था खाना खाने का है? पूजा को बहुत मन था खाना खाने का। मारूंगी ना मैं तुमको, तुम्हारा मन था सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। और तुम भी खाओगे ना? खाना खाओगे लो? यहाँ पे हम लोग खाएंगे, यहाँ इस पे बैठ के नहीं, इस पे बैठ के इसके ऊपर रख के। पापा हम पूरी ना लें।
अरे हाँ हाँ सही है अब हो गया। अरे यार इतना सारा रसगुल्ला, बाप रे। ऐसा करो इसको उठा के ले घर चलो, कल तक हम लोग खा पाएंगे। इतना सारा रसगुल्ला गिनने बोला कि तुम रसगुल्ला मत हो मेरे में से ले लेना, तो ये और रसगुल्ला दे दिए। बाप रे ये कौन खाएगा पनीर छोटू? बिहार की शादी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपको पकड़ के जबरदस्ती बिठा के खिलाएंगे और एक भी आदमी को बिना खाए नहीं भेजेंगे, और ये नहीं बोलते कि शादी में कितने लोग आना। अबे सीरियसली इतना कौन खाएगा रसगुल्ला? रसगुल्ला वैसे दिया जैसे रोटी। तो घर ले जाएंगे पैक करके। मेरा खाना देखो, चलो मैं पूजा ने दबा के खाया। ये और मिठाई देने की बात कर रहे हैं ये। चलो चलो बोरे ले ले बुनिया का। हेलो पांडा भाई, इतना मज़ा आया ना हमको, सीरियसली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, स्पेशली मैं, मुझे इतना रसगुल्ला खा के इतना मज़ा आया। बस अब हम लोग रामराज जी से एक बार मिलेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। सीरियसली खाना इतना टेस्टी था ना यार, बहुत। यार मैं ना इतना मज़ा आया ना कि मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत मज़ा आया, मुझे ही नहीं सबको आया, पूजा को आया, गिन्नी मतलब को आया। हम लोग इतने कमीने हैं कि हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने पे करके उसकी भी बुराई कर देते हैं खाना की खराबी के मामले में, खास करके मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था, और मंगल वो बहुत मतलब कहना ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और मंगल गाड़ी में ही बैठा रह गया, मंगल आया ही नहीं, लेकिन मंगल के लिए हम लोग रसगुल्ला ले आए हैं बहुत सारा। वहाँ पे भैया थे, बोला कि तो पांच पांच छह छह रसगुल्ला पूजा के प्लेट में, गिन्नी प्लेट में और मेरे भी प्लेट में। वीडियो ए, एक मिनट तुम लोग चुप रहो, मेरे प्लेट का सारा रसगुल्ला मैं खा गया, क्योंकि रसगुल्ले वाला है ना रखा हुआ मेरे पास, देंगे तुमको खाने के लिए। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बाप रे बाप काटेगा यार, जाओ मम्मी 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 जाओ मम्मी मम्मी को मम्मी 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 को जाओ मम्मी को जाओ, बेटा बेटा प्लीज मुझे मत करो प्लीज यार, जाओ जाओ मम्मी मम्मी मम्मी। अरे यार अभी और भी लोग हैं भाई साहब, जाओ जाओ मैडम मैडम मम्मी मम्मी को जाओ मम्मी 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 ये मम्मी बचाओ, मम्मी आ गई मम्मी आ गई, चलो 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 बेटा चलो 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 चलो। पांडा एकदम पागल हो गया यार, काट डाला इसने मुझे। पांडा नहीं बेटा दूर हो, पांडा दूर, पांडा दूर बेटा दूर, मंगल मंगल उतार 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 इन्हें उतर उतरो यार उतरो यार उतरो, रुको रुको एक मिनट, हां रुको हां है यहीं पे है, चलो चलो अंदर चलो। पूजा पांडा के डर से बाहर ही नहीं निकल रही है, देखो ये क्या कर रहा है। अबे भाई तू लोग बाहर मत निकलो, काट डालेगा मुझे, काट दिया इसने जबरदस्त, नाखून से खींच दिया है। निकलो बाहर निकलने के लिए बोल रहा है, आ जाओ आ जाओ बेटा पांडा आ जाओ। तो कल शादी में हम लोगों को बहुत मजा आया, पूजा ने तो डांस भी किया और
और भी बहुत कुछ किया, कितना मजा आया। सीरियसली इतना मजा हम लोगों को आज तक कभी भी किसी भी शादी में नहीं आया था। एक और चीज की, आज रात में भी व्लॉग आएगा 8 बजे, तो वो मिस मत करना, ठीक है। तो अभी ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।